नमस्कार दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन हुआ। उस दौर में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा हरियाणा और दूसरा हिमाचल प्रदेश था। आजादी मिलने के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग तेजी से उठने लगी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। उसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिनों तक आमरण अनशन किया। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग ने जोर पकड़ा। 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजूरू, केम पनिक्कर के नाम शामिल थे। 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ। उस दौरान देश में 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। सबसे पहले 1960 में मुंबई राज्य को तोड़कर अलग गुजरात राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्यों के बंटवारे की मांग होती है। 1966 में भाषाई आधार पर बने 3 राज्य। 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन हुआ। उस दौर में पंजाब को 3 राज्यों में विभाजित किया गया। हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बना, जबकि पंजाबी भाषी हिस्सा पंजाब में बना रहा। इसी दौरान चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ। पंजाब शब्द में 2 शब्द शामिल हैं, पंज का अर्थ है 5 और अब का अर्थ है पानी। इस प्रकार 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब क्षेत्र सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि से जुड़ा हुआ है। देश के विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। भारतीय पंजाब के लिए एक नई राजधानी चंडीगढ़ में बनाई गई थी। 1960 में चंडीगढ़ के राजधानी तय होने तक शिमला को पंजाब की अस्थायी राजधानी का नाम दिया गया था। पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित कर दिया गया तथा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से काटकर एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।